मेरी जीजी माँ का मुंह बंद करना चाहती थी ना, आपका ही मुंह बंद हो गया। अब मेरी जीजी माँ को भी एक जीजी माँ मिल गई है जो उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। क्या हुआ माँ, आप तो इतना टाइम ले रहे हो, अब तक तो शायद मुझे भी याद हो गया होगा। मैं ट्राई करती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सीख गई। माँ, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं फिर से बोल के बताऊँ आपको? मॉम, आप ठीक हो? मैं जब से आया हूँ आप तब से फाल्गुनी से बात नहीं कर रहे, नाराज हो क्या? मुझसे नाराज? मॉम, तबीयत ठीक है ना आपकी? आप बोल नहीं रही। क्या हुआ मॉम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं आपने मौन व्रत तो नहीं रख लिया? पासा उल्टा पड़ गया, लगता है अब यही बहाना बनाना पड़ेगा। आपने व्रत रखा है, लेकिन क्यों? फाल्गुनी की सेहत के लिए आपने मौन व्रत रखा है? आपने ना बोलने वाला व्रत रखा है, पर फिर हम बात कैसे करेंगे? मॉम ने आपके लिए व्रत रखा है जीजी माँ, ताकि आप मुसीबतों से दूर रहो और खुश रहो। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। सच में मॉम, कितनी अच्छी है ना आप। आपको पता हम सब कितने लकी हैं कि आप हमारी मॉम हैं। अब 7-8 घंटे आप चाह कर भी मेरी जीजी माँ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 7-8 घंटे क्या, आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब जीजी माँ की जीजी माँ हर वक्त उनका ध्यान रखेगी। फाल्गुनी की जगह गोल वाली लिपस्टिक मैंने खुद लगाई। मैडम जी, मैडम जी, मानो जाल और जालसाजी की खानो। अरे मारो तो माथो ही घूम गयो, तो मने पता चलो कि पूरे जयपुर में चर्चा है कि आपने मौन व्रत रखो है। मैडम जी, मने तो विश्वास न हो रही हो तो, लेकिन अब आपको ऐसे देखकर सच में डाके कि आपने मौन व्रत रखो है। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। मैडम जी, ये तो आप मुंह से भी बोल सके हो। देखो मेरा दिमाग ना खराब करो। शोम मैडम जी, कोई नहीं, आप बोल सकते हो मुंह से, बोलो ना मैडम जी। मैंने दातुन से रॉकेट चलाया हुआ है। हाँ मैडम जी, मैंने दातुन से रॉकेट चलाया हुआ है। मैडम जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप तो सबकी बोलती बंद कर देते हो, खुद कैसे बोलती बंद हो गई आपकी? मैडम जी बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। मने मतलब सच में आपके होंठ चिपक गए, आपने मौन व्रत ना रखो है, मजबूरी है। हे भगवान, तेरी कैसी लीला। अब मैडम जी मने ना कर सकेंगी। शो पड़ गए बम। हे भगवान, तेरी कैसी लीला, मैडम जी मने ना बुला सकेंगी। शो
सुना, मेरी माँ ने मेरे लिए मौन व्रत रखा है। मौन व्रत पता है क्यों रखा है? मेरे अच्छे के लिए, ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो। ये अच्छी है ना मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, बिना बोले कैसा लगता है? तुम्हें तो पता होगा ना, तुम तो रोज ही मौन व्रत रखते हो। और मुझे देखो, मैं तो कितनी बातें करती हूँ।